Hello guys, welcome back to my YouTube channel DTH Digital Skills. If you're new on this channel, let me tell you, my name is Sabah and today I'm back with a new and interesting video. So guys, जैसे कि आप लोग वीडियो देख के आ चुके हैं, I mean thumbnail देख के आ चुके हैं, आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। बट गाइज मैं आज थोड़ा डिफरेंट करने वाली हूँ, मतलब मैं हमेशा कहते हैं बायो या कोई कैप्शन बता के आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उर्दू कैप्शंस, लाइक यू कैन से वन लाइन उर्दू कैप्शंस। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग है एंड ये होने वाली है हिंदी में, नॉट इन इंग्लिश एंड आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट। बस मैं आपको 5 ऐसे वन लाइन उर्दू कैप्शन बताऊंगी जो कि आप अपने स्टेटस, स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, वीडियोस, रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जहां भी आपको बेहतर लगे। तो बिना कुछ देरी करे अब इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 इज़, वो शख्स अपने ज़िद में मुझे गवा गया। गाइस इसका मतलब पता है आपको कि अपने ज़िद में, उसने वो ज़िद में ही अड़ा रहा और उसने मुझे खो दिया। इसका मतलब ये है, मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट गाइस मैं बिना एक्सप्लेन करे रह नहीं सकती हूँ। सो आपको एक्सप्लेनेशन सुननी ही पड़ेगी। सो समझ आ गया गाइस, अगर आप कहीं से भी इसमें रिलेट करें तो आप इस वन लाइन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, टूटी है मेरी नींद मगर तुम्हें इससे क्या। गाइस इसका मतलब ये होता है कि मैं जो सपने देख रहा था, जो ख्वाब सजा के बैठा था, वो टूट गया तुम्हारी वजह से, पर तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये एक वन लाइन आप यूज़ कर सकते हो कि टूटी है मेरी नींद पर तुम्हें इससे क्या। सो गाइज ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, ये एक कैप्शन है तो आप इसे यूज़ कर सकते। कैप्शन नंबर 3, चुपचाप बिखरना है तमाशा नहीं करना। गाइज का मतलब ये कि अगर आप हर्ट हो, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आप बहुत परेशान हो, सैड हो, तो लाइक उस मोमेंट को फील कर रहे हो, तो आप अपने आप अकेले में फील कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि कोई और उसमें ज्वाइन हो, आपको सपोर्ट करे, ठीक है, कंपनी दे, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं करना, लोगों को बताना नहीं कि आप सैड फील कर रहे हो, ठीक है, जैसे और लोग करते हैं। तो यू जस्ट मीन दैट, अगर बट फिर भी अगर आप इस लाइन को यूज़ करें तो आप एक्जैक्टली बता ही रहे हो लोगों को, बट इट्स लाइक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ। तो गाइस अगर ये जो नई चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ ना, आपको ये उर्दू वाला अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और इस पर वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो ये भी मुझे बता दें, ताकि मैं अगली बार से इस पर वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। नंबर 4, राह चलते कोई ख्वाब मिला था। गाइस इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक टाइम पे अपने लाइफ में फ़ील हुआ कि मतलब यूं ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन आ गया और आपके जो सपने थे उससे रिलेटेड वो पूरे हो गए, बट अब ऐसा है कि वो अब दूर हो गया है आपसे। तो आप इस कैप्शन को यूज़ कर सकते हो कि राह चलते ही एक ख्वाब मिला था। गाइज होप सो आपको समझ आ गया होगा, लाइक मुझे शायर वाली फीलिंग आ रही है एंड गेस आपको अच्छा लगा होगा ये कैप्शन। कैप्शन नंबर 5, जिंदगी हमसे भाग रही है और हम जिंदगी से। गाइस इस कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप इतने परेशान हो कि आपको लगता है कि लाइफ में आपको कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी हमसे भाग रही है, मतलब चाहती ही नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। और आप उसके बाद नेक्स्ट लाइन है कि और हम ज़िंदगी से भाग रहे हैं, मतलब आप इतनी ज़िंदगी से अपने परेशान हो गए हो कि आप चाहते हो कि आपको जीने का मन ही नहीं करता। सो यू मीन जस्ट दैट, मतलब अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो सो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस कैप्शन को यूज़ कर सकते हो। लाइक गाइस उर्दू इज़ समथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ, बट जब आपको समझ आ जाता है ना तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो गाइस ये जो 5 मैंने उर्दू वन लाइनर आपसे कहा जो कि एज ए कैप्शन आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, गाइस कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें जिनको उर्दू पसंद है। तो मैं फिर मिलूंगी ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।